तो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सभी का एकदम फिर से हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल बिलमौरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, और बहुत से लोग आ गए होंगे फिर से ये देखने की हाँ भाई मैंने वीडियो बना ली। बहुत से लोग मेरे को पिछली बार गालियाँ दे रहे थे लास्ट जब उन्होंने वीडियो बनाई और मैंने उनकी सपोर्ट में वीडियो बनाई हिमाचल वाले के, तब मेरे को लोग काफ़ी स्टार्टिंग में अच्छा बोल रहे थे। जब हिमाचल वाले ने वीडियो बनाई विदाउट प्रूफ तो लोग मेरे को आगे गालियाँ लग पड़े देने, और सिंपथी गेन करने कोई हिमाचल वाले से सीखे। और शर्म करो भाई, शर्म करो यार, एक बेशर्मी की हद होती है वो तुमने पार कर दी है। मेरे को तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि गद्दी कम्युनिटी के लोग होते हैं नशेड़ी हैं, पर यार कैसे है लोग हो यार तुम लोग, छी यार बोलते हैं ना। और बेचारी जो विद प्रूफ के साथ आपको सारी वीडियो में बता रहा है विद प्रूफ, ठीक है, तुम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। जो अपने माँ बाप की कस्में खा रहा है अपनी वीडियो में तो उसकी बातों पे यकीन कर रहे हो, तो बहुत यार बहुत गलत है यार, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और वो बेचारे रो रो के वीडियो बना रहे हैं कि हाँ भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है यूट्यूब पे, नहीं तो मेरे सपोर्ट में भी कोई वीडियो बनाता। तो आप टेंशन मत लो, हम हैं आपके साथ, हमें पता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और साफ लग रहा है पता, पर ऑडियंस को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, साफ पता लग रहा है कि हाँ भाई। और अब तो लोग यही बोलेंगे ना हमेशा कि हाँ भाई गद्दी कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, गद्दी कम्युनिटी के वैसे होते हैं, क्योंकि लाखों बंदा तुम्हें देखता है, ठीक है, और कितने ज़्यादा बंदे तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और कई बार अब जो कोई लोग भरमोर आएंगे तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ के साथ बात करो अगर तुम कर ही रहे हो, और साफ पता लग रहा है इस टाइम पे लड़की ठीक है, सच बोल रही है बिल्कुल, और तुम लोग मतलब उसको डाउन करने के चक्कर में तुम किसी भी हद तक गिर जा रहे हो, अपने माँ बाप की कस्में खा रहे हो, झूठी हो भी है हर जगह पर माँ की कस्म, मतलब माँ फ्री में आई हुई है, कदर है किसी उस चीज़ की, मतलब हर एक चीज़ की कसम झूठी खा रहे हो कि माँ कसम अगर मेरे साथ वैसा हो जाए, मेरी माँ वैसी हो, नहीं मत यार वो लड़की कितना सच बोल रही है, तुम्हें साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है साफ, ठीक है। चार पांच लोगों को मैंने वीडियो बताई, सबने देखी, ठीक है, साफ पता लग रहा है, पता नहीं ऑडियंस कैसी। और पिछले कल वो बेचारे लाइव आए हुए थे, रो रहे थे, ठीक है, तब भी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, ठीक है, छी है, मतलब यार क्या तुम हर कुछ भी बोलने जा रहे हो अपनी वीडियो की कि मेरे को टॉर्चर किया गया, मेरे को वो किया गया और मैं डिप्रेशन में ऊपर। आदमी को डिप्रेशन होता है ना, उस आदमी को कुछ पता नहीं लगता है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ मेरे साथ कब क्या हो रही है, और ये झूठी बातें करना बंद कर दो। वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही है, ऑडियंस को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, पर लोग बेवकूफ़ है जो हंस रहे हैं उनके ऊपर। भगवान करे तुम्हारी बहन के साथ कभी ऐसा ना हो, बट हो तो तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। अब मेरे को किसी ने कोई इसमें नहीं बोला है कि तुम वीडियो बनाओ भाई, तुम वो करो, तुम वो करो, बट एक बात ये है, और लोग मेरे को काफ़ी बोल रहे हैं कि तुम बाहर की लड़की को सपोर्ट करो। यार कैसी बातें करते हैं लोग, मतलब अजीब से ही लोग हैं यार इस दुनिया में, अजीब से ही बंदे हैं। मैं सच का साथ दे रहा हूँ, सच का साथ देना गलत बात है, तो भाई फिर क्या क्या आदमी है यार, छी यार कैसे बंदे हो यार तुम लोग। वो जो है वो गालियाँ देने लग पड़ रहे हैं एक लड़की को, मतलब तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है यार कि तू हमारे एक लड़की को कुछ भी बोलने जा रहे हो। मेरे को कितने गंदे गंदे कमेंट आए कि शिवानी वैसी, शिवानी वैसी, मतलब तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है और इतना ही प्यार करते थे तो तुम एक दूसरे को बदनाम नहीं करते। मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ, मैं एक को भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बोल रहा हूँ। ऐसी भी क्या है, मतलब देखो ब्रो, ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हिमाचल वाला हर जगह गलत है, थोड़े जगह गलत शिवानी भी है हिमाचल वाली, बिकॉज ऐसी देखो कल को ना रवि की सिस्टर की शादी भी होनी है, तो लोग वो वीडियो देख के तो क्या बोलेंगे कि इतना घटिया परिवार है, ऐसा ड्रिंक करता है, वैसा करता है। तो तुम इतनी चीज़ें ओपन मत करो सोशल मीडिया पे कि कल को तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसी चीज़ें होने लग पड़े जो तुमने एक्सपेक्ट भी ना की हो। तो गलत इस टाइम पे एक देखो, लोगों ने मेरे को कमेंट भी किए कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और ये बिल्कुल ठीक बोला, एक तरफ से गलती कभी नहीं होती, गलती हमेशा दोनों तरफ से होती है। मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ भाई हिमाचल वाले ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, तुम मतलब कुछ भी, तू वो झूठ बोल रही है, ठीक है, बट चलो उस बातों को सारों को साइड में रख के तुमने जो उसको गालियाँ दी हैं वो ठीक है यार, कम से कम गालियाँ देने से कुछ भी सॉल्व नहीं होता है। तुमने कैसी कैसी गालियाँ दी है तुम्हें पता है, तुम्हें मतलब उस चीज़ का मतलब अंदाज़ा है तुमने किस टाइप की गालियाँ दी हुई है। कल को तुम्हारी बहन की भी शादियाँ होनी है, ठीक है, ठीक है, कल को तुम्हारी बहनों ने भी कहीं और जाना है, तो तुम इतना ओपन मत करो किसी भी चीज़ को। तुम्हारी साफ बुराई पता लग रही है तो कोशिश ये करो कि अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, ठीक है, और लड़कियों को गाली देना बंद कर दो। अभी कौन सा प्यार है भाई जो प्यार में आई लव यू शव यू आई मिस यू वो चलता है, और बाद में तुम ऐसी सी गालियाँ दे रहे हो जो मतलब हद्दी है, मतलब किसी चीज़ की। तुम लोग कलंक को एक उस पर कम्युनिटी पे भी और इंसानियत पे भी तुम्हें मतलब धब्बा हो तुम लोग, क्या बंदे हो, कैसी कैसी गालियाँ दे रहे हो, रोने हर चीज़ पे रोना रोना लगाया हुआ है, गंदी डाल दिए हैं यूट्यूब पे, गंदी डाल दिए जिसको बोलते हैं हिमाचल वाला टैग लेकर कुछ भी बोल रहे हो। हिमाचल की तो शर्म करो यार, कम से कम जो टैग लिया हुआ है तुमने उसकी तो शर्म करो कम से कम, कुछ भी बोलने जा रहे हो तुम लोग। वो बेचारी लड़की अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ वीडियो बना रही है विद प्रूफ के साथ, ऑडियंस उसको ही मजाक बना रही है, उसको ही गालियाँ दे रही है, और जो बंदा सिर्फ आकर अपने माँ बाप की कस्में खा रहा है झूठी, ठीक है,
यार प्रूफ ही नहीं है भाई, कोई भी कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी तुम उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो। तुम बोल रहे थे कि मतलब लड़की ने कर दी कम्युनिटी, उसको पसंद नहीं थी, वो बोलती थी ऐसे कल्चर पसंद नहीं था, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर उसको पसंद नहीं होता तो वो इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रहती नहीं, ठीक है। ऊपर से अगर इतना पसंद नहीं होता तो वो लड़की कभी भी मतलब भरमौर आकर भी अगर वो वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। बट उन्होंने हमारे कल्चर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की और ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। वो भरमौर भी है, चौरासी टेम्पल भी आया था, तब भी मैं भरमौर में ही था, तो मिला तो नहीं, बट मैंने उनको वीडियो शूट करते देखा था। उन्होंने अर्धगंगा के पास वीडियो शूट की थी और साथ में अज्जू भाई भी थे, तो मैंने देखा है उनको। अज्जू भाई कैमरामैन थे उस टाइम पे और वो शूट कर रहे थे, उन्होंने शिवजी मंदिर में भी शूट किया था भरमौर में, मैंने सब कुछ देखा है। और तूने कौन सा अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया, तूने तो यही बोला ना भाई कि हमारे कल्चर में ये सब चलता है और मतलब गद्दी कम्युनिटी में शराब पीते। भाई देखो सुनो मेरी बात, ठीक है, लोग तुम बोलते हो ठंड में सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मेरे भाई मेरी बात सुन, ठीक है। प्रॉपर भरमौर आके देखना, तुम्हें ज़्यादा पता हो, तुम्हारे घर है प्रॉपर भरमौर से या 3 या 4-5 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब मेरे को भी ज़्यादा डिस्टेंस पता नहीं है, पर 3-4 किलोमीटर तो दूर है ही है, ठीक है। तुमसे ज़्यादा ही बर्फ़ गिरती है वहाँ पे, ठीक है, तुमसे ज़्यादा ही वहाँ से ज़्यादा ही बर्फ़ गिरती है वहाँ पे तो, ठीक है। और ठंड कंपैरिजन में ज़्यादा किसके भरमौर में हुई, प्रॉपर भरमौर में हुई। हम प्रॉपर भरमौर में हमने तो नहीं भाई शराब पी गई हुई वहाँ पे ठंड में रहने के लिए। मेरे माँ बाप ने भाई पूरे 7 महीने वहाँ पे पूजा की है शिवजी मंदिर में, ठीक है। हमारी पूजा आती है मतलब ऐसे टर्न आते रहती, टर्न बाय टर्न ताऊ जी ताया जी फिर किसी और ताऊ जी की आएगी, मतलब ऐसे हमारे में चलता रहता है कि टर्न बाय टर्न, वो मैं आपको बताऊंगा फिर कभी। बट उन्होंने 7 महीने मतलब पूजा की है मेरे ताया चाचा और पापा ने, उन्होंने तो नहीं कभी शराब पी, हाँ भाई ठंड लग रही है तो शराब पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइस झूठ बोल रहे हैं, गद्दी कम्युनिटी में कोई शराब वगैरह नहीं चलती, अब जो पीते हैं उनको पीने दो, बट ये तुम ऐसे झूठ एलिगेशन मत लगाओ कि गद्दी कम्युनिटी में शराब वगैरह पीते हैं लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई अगर तुम इतना ही प्रमोट करते अपने कल्चर को तो तुम आते कभी भरमौर आते और दिखाते हैं, हाँ भाई हमारे कल्चर में ये चीज़ें, और यार गाली देने से कम ये तो सोच लो तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। वर्ल्ड का एक टेम्पल है, पूरे वर्ल्ड का एक टेम्पल भरमौर में धर्मराज जी का, और कम से कम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो कि तुम वर्ड के ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे वर्ड में कहीं पे भी नहीं है। वो गाली देने से पहले एक बार तो चीज़ें सोच लिया करो कम से कम, और भगवान करे कि ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना हो, बट तुम्हारी बहनों को अगर ये चीज़ें फेस करनी पड़े तो लगेगा तुम्हें पता भी, तुम्हें भी लगेगा पता। और ये कौन सी बात यार, कैसी कैसी गालियाँ दे रहे हो तुम, कैसी कैसी उम्र, तब तो भाई कुकती साइड के बंदे मतलब जो कुकती द लास्ट विलेज ऑफ चंबा है, ठीक है, उसके पीछे लॉस भी स्टार्ट हो जाता है, तब तो वहाँ के बंदे शराब के नशे में रहेंगे। और तुमने बोला कि हमारे गद्दी कम्युनिटी में ये सब चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी बात तो पर यकीन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे कम्युनिटी में नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसे रहते हैं, उल्टा इससे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हमारे कल्चर में लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, बताओ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मेरे को, हमारी साइड के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम भरमौर के बंदे हो अगर तुम ऐसी चीज़ करोगे। यार कैसी कैसी गालियाँ दी है मैंने, साफ सुनी हुई है। जो हिमाचल वाली ने एक ब्लॉग डाला था, वीडियो डाली थी अपने ब्रेकअप इसके ऊपर, ठीक है, और लास्ट में तुमने कैसी कैसी गालियाँ दी है, छी यार कैसे बंदे हो तुम। और लोग मुझे आके बोल रहे हैं मैं व्यूज़ के पीछे कर रहा हूँ, अगर मेरे को व्यूज़ के पीछे करना होता तो मैं डबल साइड करता, ठीक है, अगर मेरे को व्यूज़ ही चाहिए होते तो। जी ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि तेरा काम नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे को कोई तुमसे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक लड़की की साइड दे रहा हूँ, और मेरे को जब पता है कि किसी के साथ गलत हुआ तो यार तुम तो बेवकूफ़ हो, हर कोई बेवकूफ़ तो होता नहीं है जो ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा था लड़कियों को, ठीक है। मैंने पिछले कल भी कम्युनिटी पोस्ट की थी, मस्ट वॉच, तो मतलब लोगों ने क्या क्या गलत लिखा कि शिवानी वैसी, तो मतलब बहुत ही गंदे लोग हैं मतलब। और इस इंडिया का फिर बोलते हैं लोग कि इंडिया में, यार देखो मेरी बात सुनो, अभी तो तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, ठीक है, कल को खुदा ना खास्ता कल को कुछ ऊपर नीचे बात हो जाए तब तो तुम जस्टिस जस्टिस लग पड़ते हो करने, अभी तो तुमसे रिस्पेक्ट हो नहीं रही एक लड़की की, बाद में अगर तुम जैसे रोग कैंडल मार्च लेके चल पड़ते हो अगर कुछ गलत होता है तो। भाई बेचारा उनकी अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, हर कोई ऐसा कर रहा है, एक लड़की की इज्जत तुम नहीं जान सकते हो, बहन और माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तुम्हें नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, तुम्हारे घर में होते हुए भी माँ बहन, तुम्हारी 3 बहन है, तुम्हारी 1 माँ है, तुम्हें रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी माँ की भी और बहनों की भी, एक लड़की रिस्पेक्ट तुम्हें। यार कैसी कैसी गालियाँ दी है मेरे को, तो फिर शर्म आ रही है बोलते हुए भी, मैं वो ऑडियो याद कर रहा हूँ जो तुमने गालियाँ दी हुई है, अब मैं अपनी ऑडियंस को नहीं सुना सकता भाई, मेरे को नहीं ये चीज़ें पसंद, कैसी कैसी तुम्हें समझ आया तुमने गालियाँ क्या दी हुई है। एक माँ की गाली हमेशा अपनी माँ को जाके लगती है। और क्या क्या बोल रहे थे यार तुम, जो बड़ा गद्दी कम्युनिटी कर रहे थे कि उसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, तुमने कितना सा इंट्रोड्यूस करवा लिया अपने गद्दी कल्चर के साथ हमें, मतलब अपने ऑडियंस को कितना ही इंट्रोड्यूस करवा लिया, तुमने कभी अपना बताया कि तुम्हारे साइड लोग रहते कैसे थे पहले, तुम्हारी साइड कौन सी चीज़ कब होती थी, तुम्हारा कभी मंदिर गया है शिवजी भगवान के अंदर, वहाँ पे बताया है उसकी हिस्ट्री बताइए कभी,
जो तुम अभी गद्दी कम्युनिटी कर रहे हो, तुम व्यूज के चक्कर में भाई कुछ भी बोलते हो यार। कम कल्चर में सिर्फ यही बता रहे हो ना कि हमारे कल्चर में भाई यहाँ भाई साहब शराब चलती है, वेस्ट ये चीज़ें चलती हैं भाई, मस्त चलता है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा ढंग से बात किया करो। और कल्चर और कम्युनिटी बोलने से पहले ये पीछे देख लेना कि पीछे कौन से लोग खड़े हैं। गद्दी कम्युनिटी में तू ही बिलोंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोग बिलोंग करते हैं। और किसी को अगर ढंग के आदमी को पता लग गया ना तो देख लेना फिर कल्चर के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, 10 बार। ठीक है, और तुमने ये नहीं, तुमने सिर्फ यही, तुमने यही बताया ना अपने कल्चर के, हाँ भाई हमारे कल्चर में बस सब चीज़ें चलती है, दारू चलती है, वो चलती है, दारू चलती है, हमारे साइड ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, और तुम जो अपनी ऑडियंस को झूठ बोलते हो यहाँ पे लाइट नहीं होती, कब गई लाइट वहाँ पे भरमौर में, कितनी कब भी गई लाइट है मेरे को ये बताओ, कब गई भरमौर लाइट भाई? गाइस कोई भी लाइट नहीं जाती है भरमौर में, और ये झूठ बोल रहा है भाई। जितनी पुरानी वीडियो में यार तुम्हारा सर यहाँ बेवकूफ बनाया हुआ है, किसी ने बोला नहीं कभी तुम्हें। ठीक है, और पहले तो मेरे घर वाले पता क्या बोलते थे, ऐसे किसी को नहीं बोलना बोला, और ऐसे गलत होता है बोला, कभी किसी का घर चलाओ जिस चीज़ से उसको नहीं बोलना चाहिए। मेरे घर वालों ने मेरे को ये बातें बोली हुई है। मैंने उसके बाद मैंने बहुत रिग्रेट फील किया था यार कि मैंने बहुत गलत कर दिया, और मेरी मतलब लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी। बट यार हद ही है, मतलब तुमने कैसी कैसी गालियाँ दी हैं एक लड़की को। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन देने आया था कि हाँ भाई हमारी कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं चलता है, और एक लड़की की रिस्पेक्ट करना ज़रूर सीखो। बाद में कैंडल मार्च जस्टिस जस्टिस करने से अच्छा है जब तक वो है तब तक उसकी रिस्पेक्ट करो, और एक लड़की की रिस्पेक्ट वो ही जान सकते हैं जिसके घर में माँ और बहन है। ठीक है, और सबके घर में माँ तो होगी होगी, बहन की मेरे को नहीं पता है। ठीक है, पर बहन ना हो और हो उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरी लड़की भी हमारी बहन की तरह ही है। ठीक है, और रिस्पेक्ट करना सीखो लड़कियों की, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और हमारे कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। कल को लोग आकर ये बोलेंगे कि गद्दी कम्युनिटी में ऐसा चलता है, गद्दी कम्युनिटी में वैसा चलता है, तुम्हारा नाम खराब नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम्हें लोग 10 दिन जानेंगे, 12 दिन जानेंगे, महीना भर जानेंगे, हमारे कल्चर का नाम 100 साल पहले से चला हुआ है। कितने टाइम हो गया हमारे कल्चर को चले हुए, तो थोड़ा तमीज़ से। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना था क्योंकि लोग मेरे को काफ़ी गालियां दे रहे थे कि हाँ, और मैं वीडियो काफ़ी टाइम से अपना 2 दिन से बनाना चाहता था बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे हमेशा, और बाय बाय, लव यू ऑल।